हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉर्थ ईस्ट उना रेड एफसी के संपर्क में। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जीतिन एमएस के बारे में। तो सारे ही नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के समर्थक जीतिन एमएस के परफॉर्मेंस से काफ़ी ज़्यादा नाखुश थे, लेकिन दोस्तों अभी वही सारे समर्थकों को जवाब दे रहे हैं जीतिन एमएस अपने परफॉर्मेंस के बदौलत। तो दोस्तों, पिछले 2-3 मैचेस से अगर हम देखें तो जीतिन एमएस का परफॉर्मेंस में काफ़ी अच्छा बढ़ोतरी हुआ है, और इसके पीछे जो मेन वजह है वो है हेड कोच जुआन पेद्रो बेनाली। तो दोस्तों, जुआन पेद्रो बेनाली ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया है जीतिन एमएस को परफॉर्मेंस अच्छा करने के लिए, और खासकर अगर देखा जाए ईस्ट बंगाल एफसी के खिलाफ जीतिन एमएस का परफॉर्मेंस लाजवाब था। तो दोस्तों, जीतिन एमएस एक फॉरेन प्लेयर के हिसाब से खेल रहे हैं और जीतिन एमएस का क्वालिटी हम देख सकते हैं, और ऐसा लग रहा था कि वो फॉर्म में नहीं चल रहे थे, लेकिन अभी वो धीरे धीरे फॉर्म में वापसी कर रहे हैं और ये एक बहुत ही अच्छा बात है सारे ही नॉर्थ ईस्ट उना रेड एफसी फैंस के लिए। और उसके बाद आगे बढ़े और बात करें दूसरे अपडेट के बारे में, तो दोस्तों विल्मर जॉर्डन गिल जो अभी फिलहाल पंजाब एफसी में खेल रहे हैं और लास्ट मैच में इन्होंने 2 गोल स्कोर करके जॉइन केरला ब्लास्टर्स एफसी को हराया है और पंजाब एफसी को पहला अवी विक्ट्री दिलवाया है विल्मर जॉर्डन गिल ने। और लास्ट सीजन तक विल्मर जॉर्डन गिल गोल्स पर गोल स्कोर कर रहे थे नॉर्थ ईस्ट उना रेड एफसी के लिए, और नॉर्थ ईस्ट उना रेड एफसी मैनेजमेंट ने अपने सबसे अच्छे फॉरेन प्लेयर को जिन्होंने लास्ट सीजन अच्छा खेला था उनको रिलीज कर दिया। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही बड़ा भूल डिसीजन है मेरे हिसाब से अभी भी। हालांकि टॉमी ज्यूरिच आए हैं और लास्ट मैच में इन्होंने कमाल करके दिखाया है, लेकिन दोस्तों जो कमाल विल्मर जॉर्डन गिल कर रहे थे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के लिए, क्या वो कमाल टॉमी ज्यूरिच कर सकते हैं? पोटेंशियल है इनके पास, क्वालिटी है, एक्सपीरियंस है, लेकिन दोस्तों विल्मर जॉर्डन गिल को छोड़ना यहां पर मेरे हिसाब से काफी बड़ा भूल डिसीजन है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी मैनेजमेंट की तरफ से। और उसके बाद आगे बढ़े और बात करें नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के स्पेनिश सुपरस्टार प्लेमेकर नेस्टर अल्बियाक के बारे में। तो दोस्तों, नेस्टर अल्बियाक काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं अभी फिलहाल नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के कलर्स में, और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी मैनेजमेंट की तरफ से जैसा कि खबर आ रहा है कि नेस्टर अल्बियाक के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन करने वाली है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी मैनेजमेंट। लेकिन दोस्तों, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन कितने सालों का होगा उसके बारे में कोई भी ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं आया है, लेकिन दोस्तों जहां तक र्यूमर है कि 2 सालों का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन हो सकता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी मैनेजमेंट और नेस्टर अल्बियाक के बीच। तो चलो दोस्तों, फिलहाल ये वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दो। तो चलो दोस्तों, अब मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में।